टोरी रेलवे स्टेशन में हर दिन हजारों की संख्या में यात्रियों का आना जाना लगा रहता है और उसी टोरी जंक्शन रेलवे स्टेशन में शौचालय की ऐसी व्यवस्था जो कि बेहद शर्मनाक है। टोरी रेलवे स्टेशन के वो मॉडल स्टेशन के रूप में बनाया गया है, मगर यात्रियों के लिए सबसे बड़ी समस्या शौचालय की उचित व्यवस्था ना होना ही बनी हुई है। सुविधा दी जाएगी मगर वो सारी सुविधाएं धरातल पर नहीं उतरी। इसका आप उदाहरण दे सकते हैं, यहाँ पे पास में महिलाओं का शौचालय है जो आए दिन हमेशा ताला लगा हुआ रहता है, जिससे महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है। वहीं जीएम के आगमन के समय एक प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया गया था, वो भी अब हमेशा लगभग बंद रहता है, साथ ही रेल कर्मियों का उस पर कब्जा होता है। इसे आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे यात्रियों कितनी समस्या है, पीने के पानी की समस्या, कई तरह की समस्या यहाँ पे यात्रियों को जूझना पड़ता है। जो व्यवस्था बनी है उस पर ताला लटका रहता है। यह हाल सिर्फ यहाँ का नहीं है, लातेहार के बरवाडी रेलवे स्टेशन का भी यही हाल है। महिलाओं के लिए शौचालय तो बना है मगर उस पर ताला लटका रहता है। ये ताला सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही खोला जाता है। वही स्टेशन परिसर में गंदगी कारण यात्री परेशान दिखते हैं। क्या समस्याएं आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात बता दें, यहाँ पे एक भी शौचालय नहीं है और एक शौचालय भी है तो वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है और इससे काफ़ी यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं पर दो जगह जो पानी भी है वो भी काफ़ी गर्मी के दिनों में गर्म आ रहा है, जिससे लोग उसे पी भी नहीं पा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश को साफ करने की कवायद है, मगर स्टेशनों पर जिस तरह की गंदगी देखने को मिलती है और शौचालय की व्यवस्था ना होना स्वच्छ भारत मिशन की कहीं ना कहीं हकीकत को खोल कर रख देती है। लातेहार से न्यूज 11 के लिए अतुल की रिपोर्ट।